आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं, किन किन समस्याओं को लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो आज बहुत 18 तारीख से लगातार आज इन्हें 16-17 दिन होने जा रहे हैं जिन्हें हॉस्पिटल के अंदर, डिस्पेंसरी के अंदर होना चाहिए था, फील्ड के अंदर होना चाहिए था, आज ये यहाँ दिल्ली सचिवालय में अपनी मांग को लेकर आए। मैडम आपका नाम? रेखा। रेखा जी आप कहाँ से आई हैं? मैं सवोली में पोस्टेड हूँ जी, और शालीमार गार्डन रहती हूँ। क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर आई हैं? हमारी मांगे हैं कि मैं आज 20 साल से नौकरी कर रही हूँ, 4000 प्लस डीए पे लगी हुई थी, आज हमारी 18000 सैलरी है जी। तो हमारे से जो नीचे लगे हुए थे वो आज 70-70 हजार ले रहे हैं, वही मेरा काम है, वही मेरी पढ़ाई है, वही उनका काम है, वही उनकी पढ़ाई है, लेकिन उनको 80000 रुपए क्यों मिल रहे हैं, हमें वहाँ क्यों डाटा गया है, वही परीक्षा हम दे के आए, वही परीक्षा वो पास करके आई है, वही सारा कुछ वो करके आई, वही मैं करके आई हूँ, फिर इतना फर्क सरकार हमारे में लिए क्यों कर रही है, हमें ये बताया जाए। और मेरी सेम पे जितना काम वो कर रही है उतने से ज्यादा हम काम कर रहे हैं, लिहाजा मेरी सैलरी उनके बराबर की जाए। लेकिन मैडम जब आप रिटायर होंगी और रिटायरमेंट के नज़दीक चल रही होंगी शायद, जो आपके परिवार के अंदर मेंबर हैं या जो आपकी बहू हैं, बेटे हैं या और भी हैं, उनकी एक आस लगी होगी कि जब हमारी मम्मी रिटायर हो के आएँ तो हम एक मकान बनवाएंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, कार लेंगे, तो उनकी आशाओं को कैसे आप पूरा करेंगी? वो कुछ नहीं है मेरे पास, जब हम जाएंगे तो वो हमें धक्के मार के निकालेंगी कि तुम कुछ लेके भी नहीं आए, इतने दिनों से नौकरी कर रहे हो, क्या लेके आए, हमारे बच्चों के लिए आए या हमारे लिए, हमें तो धक्के बाहर निकाल के बाहर सड़क पे खड़ा कर देंगे। ना प्रोविडेंट फंड कटता है, ना कोई फंड है, ना कोई मेरा कोई डीए है, ना डीए है, कुछ भी नहीं, जो मिलता था वो भी काट के बराबर कर दिया। आज से जो हमारे नीचे वाले जो हम वो अच्छे जो सफाई कर रहे हैं उनकी अच्छी तनख्वाह है आज हमारी, झाड़ू लगा रहे हैं, हो सकता था शायद मैं वही नौकरी करती तो आज उनसे आगे जाती, इतना माइंड खपाते हैं। एक एक बार मैं 150-150 बच्चों को टीके लगाती हूँ, 80-80 एनसी मैं देखती हूँ अकेली बैठ के ऊपर, वहाँ कोई आता है देखने की ये कितना काम कर रही है, और 80000 ले रही है वो कितना काम कर रही है, आज वो देखा जाए उनके बराबर हमारी टक्कर है, लेकिन हम वहीं पड़े हैं, आज वो हमसे ऊपर जा रहे हैं, उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरी मम्मी रिटायर होगी तो मेरे लिए बहुत सारे, मेरे लिए मकान लेगी, मेरे लिए फ्लैट बनवाएगी मेरी मम्मी को हम रखेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो हमें धक्का मार के बाहर करेंगे कि तुम क्या लेके आई हो, आज 20 साल से नौकरी कर रही हो। लिहाजा मेरी केजरीवाल से यह अनुरोध है कि मेरी सेम वर्क और सेम पे कर दी जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो उनकी सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए भी की जाए, जैसे उनके बच्चों की फीस देते हैं वो वैसे मेरे बच्चों की भी फीस दी जाए, लिहाजा मेरे सारे काम उनके बराबर किए जाए, उनसे ज़्यादा काम कर रही हूँ मैं।